गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। आज की राइड मैंने स्टार्ट कर दी है और मैं जा रहा हूँ आज आगरा। मैंने राइड स्टार्ट की थी सुबह 6 बजे और अभी ये बज रहे हैं 8 और मैंने 150 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है। आगरा पहुँचने के लिए मुझे 100 किलोमीटर और जाना है, तो मिलते हैं थोड़ा आगे। अराउंड 60 किलोमीटर के बाद मेरा लोअर कूल एंड रिवर्स ऑन हो गया। मुझे कूल लेना होगा और देखते हैं इस राइड को कितनी बार मुझे फ्यूल अप कराना होगा। जैसा कि आपको पता है हल्ले की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए मुझे बार बार अराउंड 200 किलोमीटर के बाद फ्यूल लेना होगा। अभी ये मेरा पहला फ्यूल ब्रेक है आफ्टर 75 किलोमीटर और आगे देखते हैं कितने फ्यूल ब्रेक लेने होंगे। सेवेंटी सिक्स किलोमीटर के बाद मैंने फ्यूल ब्रेक लिया और फ्यूल डलवाने के बाद अभी मैं निकल गया हूँ सीधा। आप देख सकते हैं सूरज महाराज ने अपने दर्शन दे दिए और इसके साथ थोड़ा कम ठंडा फील हो रहा है। अभी आगरा 112 किलोमीटर है और टाइम हो रहा है 7:55 और मैंने ट्रैवल कर लिया है 140 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी मैंने 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है और ये छोटा सा ब्रेक लिया है, टी ब्रेक। अभी मैं पहुंच गया हूँ भरतपुर। भरतपुर से आगरा 55 किलोमीटर दूर है। और फाइनली मैं पहुंच गया हूँ आगरा। 250 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मुझे 3.5 घंटे लगे इस सफर को पूरा करने में और एक ब्रेक लिया मैंने बीच में। और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ ताजमहल। आगरा आने के लिए मैंने अपनी बाइक से लाउड एग्जॉस्ट हटाकर उसमें स्टॉक एग्जॉस्ट फिट किया ताकि अदर स्टेट अदर सिटी की पुलिस रोके ना। जब भी कोई बाइकर कहीं जाता है बाहर अदर सिटी अदर स्टेट या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर, बस उसे एक ही चीज़ की श्योरिटी चाहिए उसकी बाइक से उस पार को, बस उसको वही टेंशन होती है बाइक की, जैसा कि मुझे भी है। तो अभी ताजमहल में एंटर कर लिया है हमने, सिक्योरिटी चेक सब कुछ क्लियर करके। जहाँ से हमने एंट्री की गई उसका गेट का नेम दिया गया है बेस्ट गेट। एक VIP गेट है जहाँ से फिल्मी दुनिया के एक्टर वगैरह जाते हैं और आते हैं, उसका गेट का नेम दिया है ईस्ट गेट, स्टेट वाला। वो ईस्ट गेट और वेस्ट गेट के बाद में बनाए गए। उससे पहले एक गेट है साउथ एंड जहाँ से शाहजहाँ जाते थे और आते थे, उसका नाम दिया गया है साउथ गेट। उसका बना लेवर कॉलोनी गेट जहाँ से शाहजहाँ जाते थे आते थे लेवर जाते थे और आते थे। ईस्ट गेट और वेस्ट गेट ये बाद में बनाए गए, नॉर्थ में जाके शाहजहाँ बना।
हेलो दोस्तों, तो अभी हमारा ताजमहल का टूर पूरा हो गया है। हमने पूरा अच्छे से देखा ताजमहल को अंदर से, और आप भी देख सकते हैं बाहर से ताजमहल काफ़ी खूबसूरत है। और पीछे जस्ट पीछे आपको गेस्ट हाउस भी दिख रहा होगा एक, और इसी के अपोजिट में मस्जिद बनी हुई है। दोस्त शाहरुख जिसके जो एज ए पिलियन मेरे साथ राइड कर रहा है, तो मिलते हैं आगे। ये मार्बल में सारा स्टोन का वर्क है जो आप देख रहे हैं, रियल सेमी प्रेशर स्टोन्स हैं जो ताजमहल में यूज़ किए गए हैं। और ये जो स्टोन रहता है, जब फुल मून होता है तो ये स्टोन इस तरीके से शाइनिंग करता है। जो वर्ल्ड फेमस है ताजमहल चमकता है, इसी स्टोन की वजह से चमकता है। जो रेड वाला है ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। आपने ऊपर अगर मौज़ोलियम गए होंगे तो आपने जो रेड कलर का फ्लावर देखा होगा, ये सारे स्टोन्स वो लगे हैं। तो ये पूरा लोकल मार्केट है ताजमहल के आउटसाइड, यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्टेड आइटम, मार्बल के काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स मिल जाएंगे। अभी ताजमहल का टूर कंप्लीट करने के बाद हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट, और मेरी बाइक वहीं पार्क है जहाँ मैंने छोड़ी थी लास्ट ताजमहल की पार्क। But the slide in that pussy is a homicide. अभी हम लोग पहुंच गए आगरा फोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस गेट है आगरा फोर्ट का। तो अभी हमें आगरा फोर्ट के एंट्रेंस पर देख सकते हैं आप। आगरा फोर्ट का टूर हो गया है क्विक, शॉर्ट एंड क्विक, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है, जयपुर निकलना है अभी, और रास्ते में ठंड भी काफ़ी है। जैसा कि आप सबने अभी वीडियो में देखा, हमारा ताजमहल आगरा फोर्ट का शॉर्ट एंड क्विक टूर कंप्लीट हो गया है, और हम वापस निकल रहे हैं जयपुर के लिए। बिकॉज अभी 2 बज गए हैं और हमें 7 बजे तक जयपुर भी पहुँचना है। और इसी के साथ मुझे फ्यूल ब्रेक लेना होगा सबसे पहले, बिकॉज लो फ्यूल इंडिकेटर काफ़ी टाइम से ऑन है। और अभी मौसम थोड़ा सनी हो गया है, थोड़ी धूप आने से सर्दी थोड़ी कम हो गई है, ठंडा कम फील हो रहा है अभी, बट देखते आगे का क्या वेदर है। थोड़ा तो ठंडा फील हो रहा है अभी। और आगरा के सिटी रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी हमने आगरा सिटी क्रॉस कर दी है और हाईवे की ओर निकल गए हैं। देख सकते हैं आप, ये हाईवे है, बट मुझे अर्जेंटली फ्यूल ब्रेक लेना होगा। यहाँ से स्टार्ट होता है आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे, और काफ़ी अच्छा रोड है। एंड जयपुर 223 किलोमीटर, और अभी बज रहे हैं 2:30,
ताजमहल में जो लाल पत्थर लगे वो यहीं फतेहपुर सीकरी से मंगवाए गए थे और अभी मैं फतेहपुर सीकरी पहुंच गया हूँ। यहाँ से राजस्थान की बॉर्डर स्टार्ट होती है। अभी हम राजस्थान एंटर कर लिए वापस और भरतपुर पहुँचने वाले हैं। फ्यूल अप कराने के बाद 50 किलोमीटर चलने पर मैं पहुँच गया हूँ भरतपुर। तो अभी थोड़ा और डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लेंगे लंच ब्रेक, बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट भी प्रॉपर नहीं किया था और आगरा में भी कुछ नहीं खाया हमने। तो गाइज हमने अभी 110 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए है, तो अभी हम ब्रेक लेने वाले हैं लंच ब्रेक। लंच कर लिया है हम लोगों ने अभी, अभी 4:15 बज गए और हम निकल रहे हैं अभी, और जयपुर है 130 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस शाइनी रोड। जैसे ही सूरज महाराज बादलों के पीछे चले गए उसी के साथ मौसम में बदलाव हो गया है और ठंड भी पड़ने लगी है। दोस्तों अभी हमने टी ब्रेक लिया, उसके बाद मुझे अपनी बाइक को भी फ्यूल ब्रेक देना होगा। ये तीसरा फ्यूल ब्रेक है मेरी बाइक के लिए आज की राइड का। और फाइनली हम पहुंच गए जयपुर। 4.5 घंटे का सफ़र रहा आगरा से जयपुर आने का। इनकी ट्रिप पर मेरी बाइक चली 525 किलोमीटर विद 3 बार फ्यूल लेना पड़ा मुझे। और इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।